ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अब भगवान कपिल माता देवहूति को योगी को अपने हृदय में भगवान के ऊपर किस प्रकार से ध्यान लगाना चाहिए, उसकी विधि क्या होती है, उसका क्या तरीका है, अब उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं, जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान की विग्रह के दर्शन करते हैं तो भगवान के दर्शन हमें किस प्रकार से करने चाहिए, क्या उसकी विधि होती है, क्या उसका तरीका है, ये हम इन निर्देशों के द्वारा सीख सकते हैं। तो कहते हैं, संचिन्तयेत भगवत चरणारविन्दम् वज्र अंकुशध्वजा सरोरुह लांछनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसत नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभिर अहत महत हृदय अंधकारम। वो कह रहे हैं कि जब योगी संचिंतयेत, चिंतयेत का मतलब होता है अपने मन के द्वारा किसी वस्तु की चिंता करना, उसके ऊपर मन लगाना, उसके ऊपर ध्यान लगाना। संचिंतयेत का मतलब होता है पूर्ण रूप से, चिंतयेत का मतलब होता है किसी वस्तु के ऊपर ध्यान लगाना, संचिंतयेत मतलब पूर्ण रूप से। तो योगी को क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से भगवत चरणारविंदम, भगवान जिन्हें भगवत कहा जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, भागवत कथा जो भगवान से रिलेटेड है, भगवत चरणारविंदम, भगवान के चरण कमल के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान लगाना चाहिए। तो कई बार ये जो निराकारवादी होते हैं ये क्या कहते हैं कि अंत में तो हमें निराकार भगवान के ऊपर ही ध्यान लगाना है, अभी टेम्परेरी के लिए हम किसी भी देवता के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, हम सूर्य देवता के ऊपर, चंद्र देवता के, दुर्गा माता के ऊपर, या फिर शिव जी के ऊपर, इनमें से किसी भी जितने भी देवता गण हैं, पंच उपासना वो कहते हैं, किसी के भी ऊपर हम ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कपिल तो ऐसा नहीं कह रहे, वो नहीं कह रहे हैं देवता चरणारविंदम, देवताओं के चरण कमल के ऊपर ध्यान लगाना है, वो क्या कह रहे हैं, भगवतस चरणारविंदम, भगवान के चरण कमल के ऊपर ध्यान लगाना है। तो आगे बताते हैं कि भगवान के चरण कमल हम कैसे पहचानेंगे, जैसे हमने पिछली एक कथा में उसके बारे में वर्णन किया था कि
वैकुंठ लोक में जो वैकुंठ के वासी हैं उनका रूप भी भगवान के जैसा होता है, उनके पास भी चार भुजाएं हैं वैकुंठ लोक में, लेकिन भगवान के शरीर के ऊपर कुछ स्पेशल विशेष चिन्ह हैं जिनके द्वारा भगवान को पहचाना जाता है। तो भगवान के चरण कमल के ऊपर बताया जाता है चार चिन्ह हैं। इसलिए जब भगवान पृथ्वी पर आए थे स्वयं कृष्ण के रूप में, जब भगवान मथुरा नगरी में चलते थे, जब भगवान व्रज धाम में गमन करते थे, तो सारी पृथ्वी के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह जो है ये वहाँ पर लगे रहते थे। तो भगवान के जो चरण के जो चिन्ह हैं उसमें चार बताए जाते हैं। वज्र जो हमने देखा है, जिसे अंग्रेजी में थंडर बोल्ट कहते हैं, जब बारिश होने का समय होता है उस समय जोर से गर्जन होती है, तो बताया जाता है कि वो इंद्र का वज्र है। तो भगवान के चरण कमल पर वज्र का निशान पाया जाता है। अंकुश, आपने देखा होगा एक हाथी को नियंत्रण में लाने के लिए एक औजार का प्रयोग किया जाता है, उस औजार को क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं। तो भगवान के चरण कमलों के जो नीचे तले हैं उसके ऊपर ये चार चिन्ह पाए जाते हैं। पहला हमने बताया वज्र का, दूसरा है अंकुश का, तीसरा है ध्वजा। तो ध्वजा तो हमें पता है, फ्लैग जिसे कहते हैं ध्वजा, और चौथा है सरोरुहा। सरोरुहा का मतलब होता है कमल का फूल। तो चार चिन्ह भगवान के चरण कमलों के नीचे जो तले हैं, सोल जिसे कहते हैं, उन पर ये चार चिन्ह पाए जाते हैं। और योगी को चाहिए भगवान के इन चार चिन्हों के ऊपर ध्यान लगाए, भगवान के चरण कमल पर जहाँ पर उसे ये चार चिन्ह नजर आएंगे। लांछनाढ्यम मतलब लांछन का मतलब होता है ये चिन्ह, इन चिन्हों के द्वारा भगवान के चरण कमल सजे हुए हैं। और किसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए वो कहते हैं, उत्तुंग रक्त विलसत। उत्तुंग का मतलब होता है बिल्कुल मुख्य, प्रमुख जिसे कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे प्रधान, प्रधान मतलब सभी मंत्रियों में प्रधानमंत्री। तो सभी ब्रिलियंट बड़ी सुंदर वस्तुओं में अत्यंत सुंदर उत्तुंगा, प्रमुख। तो क्या रंग है उसका? रक्ता, लाल कलर का, लाल रंग का। विलसत और बिल्कुल चमकीला, चमकते हुए नखा, भगवान के जो चरण कमलों के नाखून हैं वो कैसे हैं? उत्तुंग रक्त विलसत, बिल्कुल चमकीले हैं और प्रमुख हैं। और कैसे रंग के हैं? लाल रंग के हैं। चक्रवाला, चक्रवाला का मतलब होता है जो चंद्रमा है उसका जो बाहर का जो छल्ला होता है, रिंग होता है, वो बड़ा चमकता है। तो भगवान का नाखून जो है इस प्रकार से है मानो चंद्रमा का जो बाहर का जो सर्कल होता है गोलाकार का, जिसमें से उजाला निकलता है, जिसमें से रोशनी निकलती है, भगवान के चरण कमल उस प्रकार के हैं। और ये जो भगवान के चरण कमलों से जो उनके नाखून से जो रोशनी निकलती है उसके ऊपर ध्यान लगाने से क्या फ़ायदा होगा? अब आपको पता है
ज्योति जब आती है, जब रोशनी आती है, तो क्या होता है? अंधकार दूर हो जाता है। तो यही भगवान कपिल बता रहे हैं। भगवान के चरण कमल के ऊपर ध्यान लगाने से हमें क्या फायदा मिलेगा, हमें क्या लाभ होगा? तो कहते हैं कि भगवान के चरण कमल, उनके ऊपर जो चार चिन्ह हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान लगाना चाहिए। और दूसरा, जो भगवान के नाखून है चरण कमलों के ऊपर, जो अत्यंत प्रमुख हैं और लाल रंग के हैं और बड़े ही चमकीले हैं, तो उन नाखूनों के ऊपर जो बिल्कुल चंद्रमा की भांति जिनके अंदर से प्रकाश निकलता है, और उससे क्या होगा, ज्योत्स्नाभिर, इस ज्योति के द्वारा, इस प्रकाश के द्वारा, आहता, आहता का मतलब होता है निकल जाएगा, साफ हो जाएगा। क्या क्या निकल जाएगा, क्या साफ हो जाएगा? महत हृदय अंधकारम, हृदय के अंदर में जो अंधकार है, हम सबके हृदय के अंदर में भौतिक वासनाओं का, भौतिक इस जितने भी इस भौतिक संसार के अंदर में आसक्तियां हैं, भौतिक सृष्टि का, तो इस भौतिक संसार का जो अंधकार हमारे हृदय के अंदर में विराजमान है, वो निकल जाएगा। वो अंधकार कैसा है? क्या छोटा मोटा अंधकार है? क्योंकि छोटा, अगर कहीं पर थोड़ा सा अंधेरा है तो हम टॉर्च लाइट जला करके उसको प्रकाशमान कर सकते हैं, लेकिन अगर घनघोर अंधेरा है, मानो जंगल है अंधकार का, तो आपकी टॉर्च लाइट से कुछ नहीं होगा, उसके लिए सूर्य की जरूरत पड़ती है। तो ये जो हमारे हृदय के अंदर में अंधकार है, इसको क्या बताया गया है? महत अंधकारम, ये बहुत महान अंधकार है, बड़ा अंधकार बताया जाता है। तो उसका क्या होगा? भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाने से, जो भगवान के चरण कमलों से जो कांति निकलती है, जो प्रकाश निकलता है भगवान के नाखूनों के जो चंद्रमा की भांति है, तो उससे हमारे हृदय के अंदर में जो भी महान अंधकार है उसका विनाश हो जाएगा, हमारा हृदय प्रकाशित हो जाएगा। तो ये अंधकार, मत अंधकार क्या होता है, और इस मत अंधकार को ये भगवान कपिल ने जो सरल तरीका बताया है, ये सबसे बढ़िया तरीका है। और भी दूसरे तरीके हैं इस हृदय के अंधकार को निकालने के, लेकिन बताया जाता है कि शरीर जो हमारे हृदय के अंदर में जो अंधकार है, वो इतना महान है कि बाकी तरीकों के द्वारा हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगा। केवल भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाने से जो प्रकाश निकलेगा, उसके द्वारा हमारे हृदय का अंधकार दूर हो पाएगा। ये प्रश्न जो है भागवत में महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा था। उन्होंने पूछा था कि हम इस भौतिक संसार में ना चाहते हुए भी अनेकों प्रकार के पाप कर्म करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, हमारा मन नहीं है गंदे काम करने का, पाप कर्म करने का, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मानो हमारा मन उस चीज़ की तरफ खिंच जाता है और हम पाप कर्म कर बैठते हैं। बाद में हम लोग पश्चाताप करते हैं, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत कार्य किया। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से, ये क्यों आदमी करता है? तब भगवान उसके उत्तर में यही बताते हैं कि क्योंकि हमारे हृदय के अंदर में महत अंधकार है। रजोगुण और तमोगुण का जो अंधकार है, उससे प्रेरित होकर के व्यक्ति अनेकों प्रकार के गलत कार्य करता है। कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में
किस प्रकार की खबर आपने सुनी होगी, व्यक्ति जो है इतने प्रकार के घोर पाप कर्म कर बैठते हैं। जैसे रिसेंटली आपने वो घटना सुनी होगी जिसमें एक बस के अंदर में एक महिला के साथ में किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया था। तो ये सब मनुष्य क्यों कर बैठता है? क्योंकि रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से जो हृदय के अंदर में अंधकार है, उस अंधकार से प्रेरित होकर के व्यक्ति अंधा हो जाता है और गलत कार्य करता है। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, हम ना चाहते हुए भी जब ऐसा कार्य कर बैठते हैं, अब इस अंधकार से हम दूर कैसे हो सकते हैं? तब शुकदेव गोस्वामी जी उनको तीन तरीके बताते हैं और कहते हैं कि तुम स्वयं देख लो कौन सा तरीका बढ़िया है। तो एक तरीका वो कहते हैं, व्यक्ति को पश्चाताप करना चाहिए, रिपेंट करना चाहिए, भगवान या मंदिरों में जाकर के जो है भगवान के सामने माफी मांगनी चाहिए कि मैंने ये घोर कर्म किया है, भगवान मुझे माफ कर दो। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं कि शुकदेव जी, ये जो आपने तरीका बताया, इससे हृदय का अंधकार तो जाने वाला नहीं है। हो सकता है कि भगवान हमें माफ जरूर कर देंगे क्योंकि हमने भगवान से माफी मांगी है, लेकिन इसके द्वारा हमारे जो शरीर में अंधकार है हृदय के अंदर में, वो थोड़ी जाएगा। और वो उदाहरण देते हैं, बोलते हैं ये तो हाथी स्नान के बराबर है। एक हाथी क्या करता है, एक बढ़िया नदी में जाकर के अच्छा स्नान करता है, स्नान करने के बाद बाहर आने के बाद में अपने ऊपर रेत डाल ले लेता है, मट्टी डाल लेता है, तो उसके नहाने का क्या फायदा हुआ? इसी प्रकार से हम जाकर के पश्चाताप करते हैं, मैंने गलत कार्य किया, मैंने गलत कार्य किया, लेकिन बाद में दोबारा हम लोग गलत कार्य करते हैं। तो कहते हैं कि ये तो तरीका बढ़िया नहीं है। फिर शुकदेव गोस्वामी दूसरा उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, ऐसा करना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, क्या पाप कर्म है क्या पाप कर्म नहीं है, और ज्ञान के द्वारा हम पाप कर्म को जला करके राख कर सकते हैं। तो उन्होंने ये उदाहरण दिया। तो उन्होंने कहा, जंगल को भी तुम जला करके राख कर दो। परीक्षित महाराज उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं लेकिन क्या फायदा है, थोड़े समय के लिए वहां पर जंगल नहीं रहेगा, लेकिन जब दोबारा बारिश आएगी दोबारा जंगल आ जाएंगे, क्योंकि बीज अभी तक नहीं गया है। तो कहते कि ये तरीका भी सही नहीं है। तो इसके बाद में फाइनली शुकदेव गोस्वामी जी जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण तरीका देते हैं, जिसके बारे में वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।